सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड सर, सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी कम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिनों से। पाँच छः दिन में एक एक वीडियो आ रही है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट हाँ, अब से मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक एक दिन के गैप में अच्छी वीडियोज़ देखने को मिले। वैसे मुझे आपसे एक हेल्प भी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ऐसे मोबाइल गेम्स बताऊँगा ना, जिस टाइप के गेम्स जो हमारे टेक्नो गेमर्स से अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले करते हैं, उस टाइप के गेम्स बताना चाहता हूँ। तो मुझे जो है ना, वीडियो का टाइटल नहीं समझ आ रहा कि वीडियो का टाइटल क्या रखूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना, वीडियो का टाइटल एक सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। वैसे अगर आज की वीडियो के टाइटल की हम बात करें ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 new offline survival games for mobile। तो यहाँ पर जो गेम्स है ना, ये अभी रिसेंट टाइम में ही लॉन्च हुए हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल गेम्स होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो एंड मैं आपको एक एक गेम के बारे में बताता हूँ डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को हम द लास्ट सर्वाइवर गेम के साथ, और इस गेम का साइज है 87 MB। तो अगर हम बात करें सर्वाइवल गेम की, और अगर वहाँ पर हमको जोम्बी से रिलेटेड गेम ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, जितने भी सर्वाइवल गेम होते हैं ना, उनमें मोस्ट ऑफ द में आपको जोम्बी गेम्स तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये भी एक जोम्बी सर्वाइवल गेम है। यहाँ पर भी मतलब एक पोस्ट एपोकैलिप्स आ चुका है, जिसमें आपको जो है ना जोम्बीज से बचना है एंड चीज़ें हैं वहाँ पर से चीज़ों को सोल्व कर करके जो है ना, मतलब बचना ही है, एस्केप करना है। तो इंटरेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज़ जो इस गेम की है ना, वो है इसका गेम प्ले। 87 MB के हिसाब से ना, जिस लेवल का इसका गेम प्ले ना, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और एक और चीज़ ये कि जिस लेवल का इसका गेम प्ले ना, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, कुछ कुछ जगह पर चीज़ें इंटरेक्ट भी करती हैं हमसे, तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। तो अगर आप एक ज़ोंबी सर्वाइवल गेम न्यू में ढूंढ रहे हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और अब हम बात करते हैं फैटीज़ डिफरेंट वर्ल्ड गेम की, और इसका साइज़ है 539 MB। अब ऐसे इसको सही तरीके से बोलूँ ना मैं, तो ये पूरा सर्वाइवल गेम भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि सर्वाइवल गेम है ही नहीं। यहाँ पर भी आपको जो है ना, मतलब एक स्टोरी बेस्ड गेम देखने को मिलेगा यहाँ पर। मतलब एक एडवेंचरस टाइप का गेम है, पर हाँ, उसके बीच में आपको जो है ना, अपनी लाइफ में तो सर्वाइव भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो है ना फिशिंग करनी पड़ेगी, फार्मिंग हो गया, उसके बाद बिल्डिंग हो गई, और फ्रेंड्स ये सब भी बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी है जो कि एक सर्वाइवल गेम में होती है। ऐसे यहाँ पर जो है ना, आपको 6 अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 तो फ्री है, 3 आप चाहें तो पेड कैरेक्टर्स भी हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। पर हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन 3 कैरेक्टर से भी आप गेम की स्टोरी को कंप्लीट कर ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, सबसे बेस्ट चीज़ है इसका गेम प्ले, बहुत अच्छा गेम प्ले है, एंड जूम इन जूम आउट का फीचर भी गेम के अंदर में है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि टॉप डाउन गेम प्ले है। तो यहाँ हमारा थर्ड गेम है माई जर्नी, और इस गेम का साइज़ है 160 MB। अब देखो, मैंने मतलब अपना बेस्ट दिया है इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको ज़्यादा जोम्बी सर्वाइवल गेम्स देखने को मिले। तो ये जो है ना, ये एक लाइफ सिमुलेटर गेम है। यहाँ पर भी आपको जो है ना, मतलब एक विलेज है वहाँ पर, उस विलेज का नाम है सेबेस्टिया, तो आपको उसी विलेज में सर्वाइव करना। आप सर्वाइव करने के लिए आपको कमाना वमाना पड़ेगा, यानी कि पैसे ये सब अर्न करने पड़ेंगे जॉब वॉब करके, है ना, एंड ट्रेडिंग ये सब वाला फीचर भी है गेम के अंदर में। उसी के साथ में आपकी कार ये सब है, तो उसको भी रिपेयर ये सब करना है। तो इंटरेस्टिंग गेम है ये, इस टाइप का गेम आप कहो ना तो रेंज सिमुलेटर जो है ना गेम, उससे हल्का फुल्का मिलता है। बट हाँ, थोड़ी ग्राफिक्स में डाउन लगा मुझे, अदरवाइज़ इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एंड एक अच्छा सर्वाइवल गेम है ये भी। तो हमारा नेक्स्ट गेम है अनचार्टेड आइलैंड, और इस गेम का साइज़ है 182 MB। तो आप जैसे कि यहाँ पर गेम प्ले देख ही सकते हैं, तो हाँ, ये जो है ना, ये एक आइलैंड सर्वाइवल गेम है, जिसको भी मैंने अपने एक दो वीडियो पहले एक बार और कवर कर ही चुका था। बाकी ये सर्वाइवल गेम की वीडियो है, तो मैंने सोचा कि इसमें भी न्यू गेम तो है, इसे ऐड कर दो इसको। तो यहाँ पर भी आपको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा, उसी आइलैंड पर आपको सर्वाइव करना है। मतलब वहाँ पर जानवर है, तो उनको मारना भी पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, उसके बाद में खुद की मतलब ये शेल्टर ये सब बनाने ही पड़ेंगे। उसके साथ में क्राफ्टिंग है, तो उसके साथ में आपको जो है ना, मतलब चीज़ें कलेक्ट भी करनी पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ है इस गेम के अंदर में भी, ऐसे रिसेंट टाइम में सबसे अच्छा आइलैंड सर्वाइवल गेम आप इसको कह सकते हैं। हाँ, ये है कि अभी ये जो गेम है ना, इंडिया में नहीं आया है, दैट्स वाई आपको इस गेम को APK कॉम्बो से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सभी गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनली, इस लिस्ट का हमारा फर्स्ट गेम है डिसमेंटल, और इस गेम का साइज है 234 MB। तो अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट ये ऑफलाइन सर्वाइवल गेम है। यहाँ पर इसका जो गेम प्ले है ना, वो अपर कैमरा एंगल से है, बट स्टिल
अगर आप लोगों को सर्वाइवल गेम खेलना पसंद है ना, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस टाइप के मोस्ट ऑफ द जो गेम्स होते हैं ना वो ऑनलाइन ही होते हैं। पर हाँ, ये जो है ना, ये एक ऑफलाइन गेम है। यहाँ पर भी मतलब पोस्ट एपोकैलिप्स आ गया है वर्ल्ड में, तो आपको चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट भी करनी है, खुद का शेल्टर भी बनाना है, खाना वाना भी ढूंढना है, तो हर चीज़ें इस गेम के अंदर में। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो गेम है ना, ये एक पेड गेम है और अभी इंडिया में नहीं आया है, पर मैं पेड गेम होने की वजह से प्ले स्टोर की ही लिंक दे सकता हूँ। अब वो तो आपका काम है, आप जहाँ से इसको डाउनलोड करना है कर लेना। बाकी एक और चीज़ ये भी बता दूं कि मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो अगर आपको डिटेल में गेम के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सेकेंड चैनल पर है। और हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।